तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में गाइस बात करने वाले हैं स्किन टूल्स प्रो मैक्स के बारे में और दूसरा स्किन टूल्स प्रो के बारे में। तो अभी के टाइम पे गाइस अगर हम स्किन टूल्स प्रो को अगर यूज़ करते हैं नॉर्मल फ्री फायर में या फ्री फायर मैक्स में, अगर हम स्किन टूल्स प्रो मैक्स को अगर यूज़ करेंगे तो हमारी क्या आईडी बैन होती है या नहीं होती। और अभी के टाइम पे जब हम स्किन टूल्स प्रो को यूज़ करते हैं तो स्किन टूल्स प्रो मैक्स चलता क्यों नहीं है, वर्क क्यों नहीं करता। टूल्स अच्छे से यूज़ करते हैं, नहीं कोई बंडल आता, नहीं कोई इमोट आता प्रो वाला, और नहीं कोई गन की स्किन आती प्रो वाली, नहीं वो, और नहीं हमारी जो नूब आईडी है प्रो आईडी नहीं बन पाती, और नहीं हमारे पास कोई प्रो बंडल आता स्किन टूल्स से। एंड गाइस, जो लोग इस वीडियो पे न्यू आए हो और जिनको पता नहीं है कि भाई स्किन टूल्स प्रो मैक्स स्किन टूल्स है क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं गाइस, ये एक स्किन टूल्स इस तरह का हुआ है जिससे कि गाइस आपकी जो फ्री फायर की जो नूब आईडी होगी और आपके पास नूब बंडल होगा या नूब कॉस्ट्यूम होगा वो आपके पास से, या नूब वाले इमोट होगा या और गन की स्किन भी आपके पास नहीं होगी, तो स्किन टूल्स यूज़ करने से गाइस आपके पास प्रो वाले बंडल आ जाएंगे, यानी कि जो नूब बंडल रहेंगे वो आपके पास प्रो वाले बंडल में बदल जाएंगे, और जो आपके पास नॉर्मल गन की स्किन होगी वो ईबो गन की स्किन में कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे मैंने गाइस स्किन टूल्स प्रो मैक्स के ऊपर वैसे काफ़ी वीडियो बनाया है, अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वो जाके वीडियो देख सकते हो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि स्किन टूल्स प्रो मैक्स आखिरकार है क्या चीज़ें। यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो हाउ टू यूज़ स्किन टूल्स प्रो मैक्स, यूट्यूब पर भी सर्च करूँगे तो सबसे पहले गाइस आपको मेरा ही वीडियो देखने को मिलेगा यूट्यूब पर, और वैसे हो सकता है वीडियो भी मेरी नीचे चलेगी होगी क्योंकि चैनल डाउन जा रहा है ना इसलिए। तो वीडियो गाइस आपको तीसरे या चौथे पाँचवें नंबर पर देखने को मिल जाएगी यूट्यूब में, तो सर्च करके भी आप मेरा वीडियो देख सकते हो। अब अपने टॉपिक की ओर आते हैं, स्किन टूल्स प्रो अब चलता क्यों नहीं है किसी भी डिवाइस में, जब से अपने फ्री फायर में काफ़ी बार अपडेट देखने को मिला है ओवी का, जैसे कि OV 43 OV 44 काफ़ी अपडेट आए हैं अपने गेम में, और जो अगला अपडेट जो आने वाला है वो 25 जून को देखने को मिलेगा अपने गेम में। तो ज़्यादा अपडेट की आने की वजह से गाइस गरीना जो है यहाँ पर स्किन टूल्स प्रो मैक्स को सपोर्ट करना बंद कर दिया है, ज़्यादा अपडेट आने की वजह से स्किन टूल्स वर्क भी नहीं कर पा रहा, और आपको पता ही है स्किन टूल्स में ज़्यादा अपडेट भी नहीं आते, कोई मान लो कि गाइस कभी साल भर या 5-6 महीने भी एक दो बार अपडेट ही आता है जिसकी वजह से यहाँ पर स्किन टूल्स वर्क नहीं करता। अगर मान लो कैसे भी करके अगर आप स्किन टूल्स प्रो को अगर यूज़ करते हो, प्रो बंडल ले आते हो, ग्लिच अगर यूज़ करते हो, तो यहाँ पर गरीना यहाँ पर इतना स्मार्ट है कि स्किन टूल्स को यहाँ पर चलने ही नहीं देगा। स्किन टूल्स आप यूज़ करोगे कुछ भी अंदर में ग्लिच फाइल आएगा, नहीं अंदर कोई बंडल आएगा फ्री फायर में, क्योंकि गाइस गरीना का जो सर्वर है भाई दिन पर दिन एडवांस होता जा रहा है, गरीना भी भाई बहुत एडवांस हो रहा है, जिसकी वजह से गाइस कोई भी आप ग्लिच फाइल या कुछ भी यूज़ करो वर्क नहीं करेगा। और उसकी जगह पे आपको फ्री फायर में क्राफ्ट लैंड है, क्राफ्ट लैंड में आपको पता ही कुछ ना कुछ न्यू मैप कोड आता रहता है, तो उसी में जो है हमें प्रो बंडल्स ईबुक गन की स्किन देखने को मिल जाती है जो कि हम खेल सकते हैं, कोई सा बंडल भी ले सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक अलग से एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको प्रो बंडल ईबुक गन की स्किन चाहिए क्राफ्ट लैंड में खेलने के लिए तो आप खेल सकते हो, वीडियो जाके देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। स्किन टूल्स प्रो मैक्स वर्क क्यों नहीं करता गाइस, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि स्किन टूल्स अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी क्या फ्री फायर आईडी बैन होती है सच में या नहीं होती स्किन टूल्स यूज़ करने से। तो वैसे तो मैंने एक साल में या 6 महीने पहले स्किन टूल्स का तो भाई मैंने काफ़ी बार यूज़ किया अपनी फ्री फायर रियल आईडी में, तो मेरी यहाँ पर जो फ्री फायर आईडी है यहाँ पर वैसे तो अभी बैन तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ गाइस बीच में मुझे एक दो दिन के लिए 6 यानी कि 1 साल पहले मेरी आईडी 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दी गई थी, फिर मैंने 5वीं बार स्किन टूल्स को यूज़ करा, फिर मेरी आईडी गाइस यहाँ पर 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दी गई थी। इसके बाद मैंने काफ़ी बार स्किन टूल्स को यूज़ करा तो मेरी आईडी 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए भी गाइस यहाँ पर बैन हुई थी, लेकिन मेरी जो आईडी अभी तक परमानेंट अभी सस्पेंड नहीं हुई। अगर आपने भी स्किन टूल्स प्रो मैक्स को अगर यूज़ करा होगा तो आपकी भी जो आईडी है शुरुआत में तो बैन तो नहीं होगी, अगर आपने काफ़ी बार अगर यूज़ करा होगा 10-15 बार तो आपकी आईडी यहाँ पर 7 दिन के लिए सस्पेंड हुई होगी या 15 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए भी सस्पेंड हुई होगी, लेकिन आपने से कुछ लोगों की जो आईडी यहाँ पे परमानेंट बैन नहीं हुई होगी। अब वैसे गाइस कुछ लोग अलग तरह का वो यूज़ करते हैं जिसकी वजह से गाइस उन लोगों की आईडी परमानेंट यहाँ पे बैन हो जाती है, मैं स्किन टूल्स की बात नहीं कर रहा, मैं अदर किसी की बात कर रहा हूँ, अदर चीज़ अगर आप लोग अगर यूज़ करते हो तो। और गाइस वैसे मैं बता दूँ स्किन टूल्स प्रो मैक्स यार यहाँ पर आईडी बैन होती है, परमानेंट भी यहाँ पर आईडी बैन होती है, लेकिन पहले स्किन टूल्स यूज़ करने से पहले परमानेंट आईडी बैन नहीं होती थी,
लेकिन अगर अगर आज के टाइम पर अगर यूज़ करेंगे वैसे भी चलता नहीं है स्क्रीन टूच प्रो मैक्स तो आप तो क्या यूज़ करेंगे। अगर मान लो यूज कर भी लेते तो आपके यहाँ पर आईडी पहले 7 दिन के लिए सस्पेंड होगी, फिर 15 दिन के लिए सस्पेंड होगी अगर आप ज़्यादातर यूज़ करते हो, फिर इसके बाद आपकी आईडी 1 महीने के लिए या साल भर के लिए सस्पेंड कर दी जाएगी। अगर ज़्यादा यूज़ करें तो फिर समझ लो आपकी आईडी परमानेंट भी यहाँ पर बैन हो सकती है। वो गरीना का मूड है, पता नहीं कब बदल जाएगा, इस पता नहीं कब आपकी आईडी बैन कर दे परमानेंट या साल भर के लिए। अगर आप अभी भी कुछ भी ग्लिच फाइल या कुछ भी यूज़ करते हो तो मेरी मानो तो गाइस अब आप बंद कर दो अपनी फ्री फायर आईडी में जो भी कुछ यूज़ करके या लगा के खेलते हो, तो यहाँ पर आपकी आईडी जो है परमानेंट बैन हो सकती है गरीना वैसे का। और वैसे यहाँ पे गरीना यहाँ पर टाइम पे टाइम किसी ना किसी की यानी कि कई कई लोगों की यहाँ पर आईडी चेक करता रहता है, यानी कि आईडी में क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या हो रहा है तो चेक करता रहता है कि कुछ और लगा के वो सब तो लगा के तो खेल ले, अगर खेलोगे तो फिर तो समझ लो आईडी गई आपकी परमानेंट बैन। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट में बताना कि अगर आप एनएस टूल या स्क्रीन टूल्स प्रो मैक्स जो भी ऐप यूज़ कराओ, अगर आपकी अगर यहाँ पर आईडी बैन हुई है 1 हफ्ते के लिए, साल भर के लिए या 1 महीने के लिए, तो कमेंट में जरूर से बता। वैसे गाइस मैं स्क्रीन टूल्स के ऊपर या एनएस टूल के ऊपर एक अलग से एक 2-4 दिन के अंदर आपको एक न्यू वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें कि गाइस आप एनएस टूल को यूज़ करने से कुछ भी प्रो बंडल वो सब ले सकते हो। लेकिन अगर मैं बता दूंगा तो ज़्यादा यूज़ मत करना जो मैं एनएस टूल के ऊपर जो वीडियो बना के लेकर आऊँगा। एनएस टूल को अगर यूज़ करना है अपनी रियल आईडी में यूज़ मत करना, अगर आपके पास कोई वैसी आईडी हो नॉर्मल आईडी कम लेवल की उसमें यूज़ करना। वीडियो मैं तभी बना के लेकर आऊँगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करोगे, कमेंट में लिखोगे कि हाँ भाई वीडियो बना के लेकर आओ, आप हाँ लिखो हाँ भाई वीडियो लाओ, तो तभी गाइस मैं वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी गाइस जो था वो मैंने आपको बता दिया। तो डिस्क्रिप्शन में गाइस मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर मुझे व्हाट्सएप चैनल को मेरे फॉलो कर लो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। मैं इंस्टाग्राम आईडी अभी सीख दिया 09 है, जो भी दिक्कत हो आप कुछ भी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके सोल्यूशन या कुछ भी ले सकते हो, मैं आपका कमेंट को रिप्लाई कर दूँगा इंस्टाग्राम पे। ज़्यादा से ज़्यादा गाइस इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के पास, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं आ रहे हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गाइस बाय बाय। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।